साहब जी, हम आपसे एक ठोक बात पूछेगा साहब जी। पूछना साहब जी, हमको तो यही समझ नहीं आता कि डीएसपी साहब खाली पोकट हम लोग को यहाँ चेकिंग के लिए खड़ा कर देते हैं। अगर कोई गाड़ी वाला पकड़ा भी जाए तो उसको भी तो साहब जी छोड़ देते हैं, तो हम लोग यहाँ क्यों खड़े रहते हैं साहब जी? ये बात ऐसी है ठाकुर जी कि छोड़ तो हम लोग देते हैं, वो थोड़ी छोड़ते हैं, वो तो बड़ा मोटा रकम वसूलते हैं। मतलब रिश्वत साहब जी? कह सकते हैं, मारे को भी तो इतना ही पता है ना ठाकुर जी। ना, आपको तो सब पता है साहब जी, हम देखते हैं सबका काला चिट्ठा निकालते हैं आप। मैं भूतड़ी के उत्तरी, ये कैसी आवाज थी? कुछ ना, घटना है ठाकुर जी, घट गई। दो गाड़ियाँ थी आपस में सट गई। बाप रे, ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं साहब जी। लड़ने दो ना ठाकुर जी, गलती भी तो दोनों की थी। बाप रे, चुप हो जाओ साहब जी, ये लोग तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं साहब जी, अब क्या करें? ऐसे हमने करना तो कुछ भी ना था चौबे जी, लेकिन देखने से लग रहा है कि एक ने चर्बी थोड़ी ज्यादा चढ़ गई है। हाँ साहब जी, तो फिर अब चल के उतार देते हैं। अब एक बार में समझ नहीं आ रहेगा तुझे, कहा हो गया चिक चिक किस बात की है? अरे ओ इंस्पेक्टर, देख ये साला भिखारी अपनी दो कौड़ी की गाड़ी ला के मेरा गाड़ी में धसा दिया, मुझे बहुत नुकसान हो गया इंस्पेक्टर, इससे पैसे मांग के दे मुझे। नहीं साहब, हम कहाँ का पैसा देंगे, हमारी कोई गलती नहीं थी साहब, हम गरीब आदमी हैं, ये गाड़ी भी हम उधार में चलाते हैं साहब। वो सब मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर, पैसे दिलवा मुझे। अच्छा देखो, हम भी खड़े थे, हाँ हमने भी सब देखा है, गलती तो दोनों की थी, पर अक्कड़ तो थारे में बहुत है छोरे। क्या? हाँ, और जहाँ तक बात रही थारी, जो आदमी गाड़ी उधारी लेके चला रहा है वो तो जानबूझ के ना ठोकेगा ना, तो तू घर जा। धन्यवाद साहब, आप बहुत अच्छे हैं। ये क्या, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया इंस्पेक्टर, तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। तू और कौन होगा बे, पैसों की गर्मी और औकात से अदा कर अमीर बाप का बिगड़ा बच्चा होगा तू। देख बे, जेल में डालूंगा, फट्टे हाल मारूंगा, तेरा बाप क्या अपने सीनियर के भी नहीं मानूंगा। मुझे आप झूठ नहीं बोलते रहे। सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब अगर हमारी बात समझ ही गया है तो चला जा, लेकिन पैसों से घमंड नहीं, नाम बना। ठीक है सर, समझ गया। अब अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे हमारा हिसाब किताब तो ठीक था ना ठाकुर जी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है सर, एकदम बढ़िया था, बोले तो ओपी। मैडम सच कहे तो पोर्गेट्री जितना आसान नहीं है रिमास्टर, यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें खरीदना बहुत मुश्किल है। गलत, आप पैसे फेंकने के लिए तैयार तो होइए, दिखने के लिए तो हर कोई तैयार है। इतना भी आसान ना है मैडम, यहाँ तीन थानेदार है, उसमें से एक थानेदार रणबीर है, वो इतने आसानी से ना मानेगा और ना काम करेगा। तो फिर ठीक है, आज उस थानेदार की भी औकात नाप ही लेते हैं, उसके जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा पैसे दे दो उसे, देखती हूँ कैसे नहीं दिखेगा वो। ठीक है मैडम, अगर आप कहती है तो बात करके देख लेते हैं हम, पर चौधरी सर ने पहले ही बात किया था उससे, नहीं माना साला। देखिए मेहता जी, ऐसे छोटे मोटे थानेदारों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, उसे पैसे दीजिए, काम खत्म कीजिए, और अगर नहीं होता तो नौकरी छोड़ दीजिए। नो नो मैडम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो गो अहेड। ओके मैडम। इस दुनिया में ना हो ऐसा कोई काम नहीं और ना सुनना मुझे पसंद नहीं, क्या समझे? समझ पा रहे हैं ना मैडम कि आप इतनी बड़ी बिजनेसमैन कैसे बन गई।